काम करतानी भोजपुरी के तमाम दर्शकन के जे हमरा के सुन रहल बा, देख रहल बा आ समझ रहल बा। हम हई ममता तिवारी आ रउआ सब देख रहल बानी हमार प्रोग्राम ओ वुमनिया के। पिछला बार के लेखा ए बार भी हम बताएं भोजपुरी के ऊ खबर जे राउर दिल आ दिमाग में खलबलात होगी। लेकिन प्रोग्राम शुरू कईरे से पहले हम बता दी कि आज हमार मूड कुछ ठीक नहीं थे, जेकर कारण आप सब भी जानत हो खब। जी हाँ, पवन के बाबूजी के निधन पर सबका बहुत दुख बा, लेकिन रउआ लोग चिंता जन करी लो, कहे कि रउआ लोग के मनोरंजन करे में हम कोई कसर ना छोड़ब। खैर बहुत हो गई बातचीत, अब शुरुआत करतानी पहला खबर से जे बा बाप रे बाप। मतलब ई एगो फिल्म के नाम है जिमे शूट करत खानी हीरोइन बेहोश हो गई, जिनका के देख के ऐसा लागल कि कोई आत्मा उनका अंदर समा गई बा। लेकिन बेहोशी के असल कारण कहीं चोटी कटवा त ना रहे, खैर ई मजाक रहे। रउआ लोग देखी ई खबर। भोजपुरी हॉरर फिल्म बाप रे बाप की शूटिंग के दौरान आंचल सोनी अपनी भोजपुरी हॉरर फिल्म शुक्रवार 13 को प्रदर्शित करना चाहती है। पूरे विश्व में शुक्रवार 13 को कई जगह अनहोनी घटनाएं हुई हैं। आइए जानते हैं भोजपुरी हॉरर फिल्म बाप रे बाप के सेट पर हुई अनहोनी घटनाओं के बारे में अभिनेत्री आंचल सोनी और ऋतु पांडे की जुबानी। दरअसल इन दोनों अभिनेत्रियों का कहना है कि भूत का होना या ना होना हमेशा से एक सवाल रहा है। ये सच है कि हमने उनके अस्तित्व को हमेशा नकारा है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने इस डर का अनुभव किया है। फिल्मों की बात छोड़ दें तो असल जीवन में भी ऐसी कई जगहें हैं जहां भूत प्रेत के होने को लेकर बात होती रही है। ऐसा कुछ इस फिल्म की शूटिंग के समय अभिनेत्री ऋतु पांडे के साथ हुआ। आंचल सोनी और ऋतु पांडे के लिए बेहद डरावना था ये मानना, जब अचानक 13 तारीख शुक्रवार को शूटिंग करते समय ऋतु पांडे के साथ ऐसी घटना घटी और वो सही में बेहोश हो गई। जब होश में आई तो उन्हें कुछ याद ही नहीं रहा। ये सब बाप रे बाप के कैमरामैन के कैमरे में कैद हो गया, जो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। सबका मानना था कि सेट पर ऋतु को किसी बुरी आत्मा ने जकड़ा है, पर हिम्मत ना हारते हुए आंचल सोनू ने ऋतु का साथ नहीं छोड़ा। और ऐसी ही कई घटनाओं के घटने की वजह से आंचल सोनी ने संकल्प लिया कि अब कुछ भी हो सारी नकारात्मक होनी अनहोनी से लड़ूंगी और अपनी फिल्म बाप रे बाप को अब 13 तारीख शुक्रवार को ही प्रदर्शित करूंगी। शूट करत खानी कहीं करेक्टर में एकदम घुस गईला से ऐसन भइल होई, भूत के किरदार निभाते निभाते भूते बन गईली। खैर चली बतावे जाते नहीं, अब अगला खबर रउआ लोग सुन चुकल हो खेम। एक खबर है खेसारी जी के फिल्म दुल्हिन गंगा पार के। पहले ई खबर सुन ली रउआ लोग, फिर हम बताएं अब बात करें सुनी। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के फिल्म दुल्हिन गंगा पार के आज तक रिलीज ना भइल, जेकर चर्चा बहुत दिन से रहे। ये फिल्म बहुत पहले शूट हो गई, लेकिन आज तक वो फिल्म के कहानी आगे ना बढ़ल आ ना ही ये फिल्म सिनेमा घर के रास्ता तय कैलस। एकरा पीछे आखिर का कारण बा ये आप लोग भी ना समझ पाएं होके, हमनियों के ना समझ पाई ले जा। आपके बता दें कि ये फिल्म का साथे ही जिला चंपारण के शूटिंग भइल, आतंकवादी के शूटिंग भइल, बाबरी मस्जिद के शूटिंग भइल, लेकिन ये तीनों फिल्म रिलीज हो गई, लेकिन अब ही तक ई फिल्म रिलीज ना भइल। एकरा साथे रिलीज भइल बाकी के सब फिल्म रउआ लोगन देख चुकल होखम। जिला चंपारण 1 सितंबर के रिलीज होके जा रहल बा, लेकिन दुल्हिन गंगा पार के अबही तक कोई चर्चा नहीं थे। हमनी के मालूम बा कि रउआ लोग के उत्सुकता रहे खेसारी लाल के बेटी कीर्ति के देखे के। हालांकि ये फिल्म से जुड़ल कई तस्वीर और सीन देख ले होखम लोगन, लेकिन फिल्म ना देख पवनी जा। आज तक इंतजार इंतजारी में रह गए। अभी तक ये फिल्म के रिलीज होके के खुलासा तो नहीं के हो पाएल, लेकिन जैसे ही कोई जानकारी मिली हमने के रउआ लोगन के जरूर बताएं जा। आए फिल्म के मेकर से हमने के यही गुजारिश करें कि ये फिल्म के जल्दी से जल्दी रिलीज करें लोगन, ना तो फिर दर्शक लोग के तरफ से यही सवाल उठी कि खाली खेसारी के फिल्म में ही इतना लफड़ा काहे हो खेला। ई खबर जब हमने के चैनल के तरफ से पहले हूँ दिखावल गई तो कुछ दर्शकन के रिप्लाई भी आये कि जल्दी से जल्दी ये फिल्म के रिलीज कर जाओ। तो वहीं एगो महान हस्ती, नाम तो हम ना बता सकीले, लेकिन वो कहले रलन कि ये फिल्म के कुछ सीन अभी बाकी बा। तो उनका के बतावल चाहेम हम कि ऐसा कौन सीन बा भाई जे एक साल में भी पूरा ना हो पाए, आ खाली यही फिल्म के सीन काहे रुक गए, बाकी के फिल्म जे एकरा साथे शूटिंग भइल सब रिलीज हो गए बा, खाली यही फिल्म बच गई बा। फिल्म के जानकारी इतना जल्दी दे देवल गई कि वो हिसाब से फिल्मों रिलीज ना भइल, तर दर्शकन के तो उत्साहित होखबे करी। अब ई कौन बहाना भइल कि सीन शूट कल रह गई बा, तर डबिंग रह गई बा। खैर छोड़ी, जब रिलीज होके के होकी हो जाई।
अब बतावे जाता नहीं हम अगला खबर जे है भोजपुरी के दबंग गर्ल प्रतिभा पांडे के, जे अब तक कई सुपरहिट फिल्म कर चुकल बाड़ी, कई गाना भी गा चुकल बाड़ी, लेकिन अफसोस इनकर अबहू पहचान धमकी गर्ल के नाम से करे के पड़ेला, काहे कि हीरोइन के रूप में कल जाला। जी हाँ, काहे कि एकर पता राव सब के ई खबर देख के पता चल जाए। देखें, करीब 7 साल पहले तक भजन गाने वाली भोजपुरी एक्ट्रेस प्रतिभा का नया एल्बम द ग्राउंड डीजे प्रतिभा पांडे रिलीज हुआ है। एल्बम में प्रतिभा ने खुद आवाज दी है। गाने हुस्न के मल्लिका हूँ जन्नत की परी लोगों को काफी पसंद आ रहा है। एल्बम में प्रतिभा काफी बोल्ड दिख रही हैं। बातचीत में उन्होंने बताया कि गाने का शौक उन्हें बचपन से ही है। घर पर गीत संगीत का माहौल रहता था। दादा दादी भजन कीर्तन करते थे, जिसके कारण बचपन से ही दादा के साथ भजन गाती थी। फिर मैंने संगीत से ही ग्रेजुएशन किया। इसके बाद अपनी खुद की इवेंट कंपनी चलाने लगी। कई बड़ी कंपनियों के इवेंट में मैं खुद गाया करती थी। 2006 में पहला एल्बम चुप चुप खड़े हो आया, जिसके बाद एल्बम रामा रामा आया। फिर अपनी फिल्म प्रोडक्शन हाउस की भोजपुरी फिल्म हमरा से बिया करबा की, जिसमें रवि किशन एक्टर थे। भोजपुरी फिल्म प्रीतिया काहे लगवला और मैथिली फिल्म आई लव यू दुल्हिन जल्द रिलीज होने वाली है। साथ ही प्रतिभा ने अब तक 50 से ज्यादा फिल्में की हैं। प्रतिभा इससे पहले भी एक बार चर्चा का विषय बन चुकी हैं, जब उन्होंने पवन सिंह के साथ तेरे जैसा यार कहां फिल्म में काम किया था। तब प्रतिभा ने फिल्म के डायरेक्टर को धमकी भी दी थी और एक बार फिर से वो चर्चा में आई हैं अपने एल्बम को लेकर। खेत प्रतिभा आजकल अपन आवाज से दर्शकन के खूब आकर्षित कर रहल बाड़ी। चले अच्छा बा, अब बतावे जाता नहीं हम अच्छा खबर यानी के अंतिम खबर। ई खबर है फिल्म गदर 2 से जुड़ल। ए फिल्म के बहुत दिन से शोर बा कि फिल्म के आधा शूटिंग कंप्लीट कर लीवल गई बा, लेकिन अब खबर ई आवता कि ए फिल्म के स्टार कास्ट चेंज कर देवल गई बा। देखी, भोजपुरी फिल्म गदर 2 में इस बार विशाल सिंह गदर 2 में देखे जा सकते हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि फिल्म में निशा दुबे भी अपना एक अलग अंदाज फिल्माती नजर आएंगी। अब देखने वाली बात तो ये है कि होगी कि गदर 2 में विशाल अपने अभिनय किस प्रकार लोगों तक पहुंचाएंगे। गदर की अपार सफलता के बाद पवन सिंह और सनी देओल को गदर 2 में हर एक दर्शक देखना चाहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पवन सिंह और सनी देओल के फैंस के लिए बहुत बुरी खबर आ रही है कि फिल्म में उनकी जगह विशाल सिंह प्रमोद प्रेमी को ली गई है। पवन सिंह और सनी देओल फिल्म गदर 2 में एक साथ नजर आए, मगर ऐसा नहीं होगा क्योंकि किसी कारणवश कहानी में बदलाव करते हुए डायरेक्टर रमाकांत प्रसाद ने फिल्म में पवन सिंह और सनी देओल को नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि हम इस कहानी में बदलाव करने के कारण इसमें पवन सिंह और सनी देओल को कास्ट नहीं कर सकते। ई खबर कितना सच बा आ कितना झूठ, ई तो फिल्म देखला के बाद सबके पता चल जाई। लेकिन बता दी कि ए फिल्म के फर्स्ट पार्ट यानी के गदर जब स्टार्ट भइल रहे, जब आयल रहे, त ओमे पवन सिंह रहले आ फिल्म के सफलता के अबही तक याद कइल जाला। बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई से जहां डायरेक्टर्स लोग खुश भइले, त उहे भोजपुरिया दर्शक के कुछ नया देखे के मिलल। त ई रहे आज के ताजा खबर, लेकिन रउआ लोग कहीं मत जाएं, कहे कि नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया में रउआ लोग के एक से एक खबर देखे के मिली आ हमरा से होई मुलाकात। तब तक के लिए हमरा के दी इजाजत, कहे कि अगला बार हम आए एगो नया खबर के साथ। प्रणाम।